हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू असर पे स्टोरीज, जहां पिछले कुछ हफ्तों से हम इंडिया के अर्बन लेजेंड्स कवर कर रहे हैं। एंड जस्ट अ रिमाइंडर गाइस कि अगर आप लोगों को ये सारे के सारे अर्बन लेजेंड्स एक साथ देखने हैं तो मैंने इस सीरीज की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर आप जाकर कम से कम 1.5 घंटे तक का कॉन्टेंट देख सकते हो एक साथ। जस्ट इन केस यू मिस्ड एनी वीडियो यू कैन गो एंड वॉच इट देयर। पर आज का अर्बन लेजेंड हमें आता है मेघालय से। तुम लोगों ने कभी क्या नोह लिखाई या फिर नोवा लिखाई के बारे में सुना है, या फिर कभी भी ये सोचा है कि जिन भी चुड़ैल या फिर प्रेत आत्माओं की तुम बातें करते हो, जिनके बारे में तुम सुनते हो, वो आखिर आते कहाँ से हैं, उनके पीछे क्या राज होते हैं, या फिर आखिर उन्हें क्या चाहिए होता है, वो क्यों आदमियों पर जानवरों पर हमला करते हैं, और क्यों वो ऐसा नहीं करते कि सभी को अकेला छोड़कर, इन लोगों को मारने से छोड़कर वो अपने आप को शांति दे दें और मोक्ष प्राप्त कर लें। वेल, इस अर्बन लेजेंड की कहानी से तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चंस का, सभी क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। मेघालय इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट का ये स्टेट वाटरफॉल्स, पहाड़ और हरियाली से भरा हुआ है। मेघालय का अर्थ होता है प्लेस ऑफ क्लाउड्स, और जितने भी लोग मेघालय में रहते हैं वो तुम्हें ये बात कंफर्म कर सकते हैं कि सच में ये जगह बादलों से भरी पड़ी है। 3.5 मिलियन की पॉपुलेशन के साथ मेघालय में बहुत सारे रेयर जानवर पाए जाते हैं। और तो और, मेघालय अभी से नहीं बल्कि नियोलिथिक पीरियड से आर्कियोलॉजी के लिए फेमस है। यस, न्यू स्टोन एजेस से ही यहाँ पर आर्कियोलॉजी की हिस्ट्री बन और पढ़ी जा रही थी। यहाँ तुम्हें कहीं सारी जगह घूमने के लिए मिल जाएंगी, जैसे कि शिलोंग, विमयम लेक, दाओकी। और नो कालिकाय फॉल्स। मेघालय है तो बहुत सुंदर, पर जो अर्बन लेजेंड मेघालय से आता है उसकी कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है। ये कहानी है एक माँ की, एक बच्चे की और एक ऐसे आदमी की जिसकी वजह से नो कालिकाय फॉल्स का नाम पड़ने वाला था। इंडिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल विद इट्स हाइट ऑफ 340 मीटर, मेघालय चेरापुंजी में है। और ये जगह, जिसे अब सोरा भी कहा जाता है, इंडिया के वेटेस्ट प्लेसेस में से एक है। यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर है, स्पेशली सनसेट। बट अनफॉर्चुनेटली इस वाटरफॉल के नाम के साथ एक बहुत दर्दनाक स्टोरी जुड़ी है। बहुत समय पहले चेरापुंजी में एक गांव हुआ करता था, रंग जयर थे, जो कि लोगों से भरा हुआ था। क्योंकि ये गांव वाटरफॉल के पास ही था तो लोग यहां पर खेती करते थे, पर खेती के साथ साथ यहां पर आयरन की खुदाई भी होती थी, मशीनों से नहीं पर मजदूरों से, जिससे लोगों को रोजगार भी मिल जाता था। और साइट के पास होने से एक कम्युनिटी भी बन जाती थी लोगों की। तो ज्यादातर, सभी नहीं पर ज्यादातर मर्द इन लोगों की खदानों में काम करते थे, जो कि अब ऐसे ही छोड़ दी गई हैं। और मॉइस्चर अच्छा होने की वजह से पहले यहां पर औरतें खेती करती थी, इवन दो एक्सेसिव मॉइस्चर होने की वजह से फसल पर कभी कभी फर्क पड़ता था, स्टिल पीपल मेड डू विद व्हाट दे हैड, और कोई भी अपनी खेती या फिर काम पर कंप्लेन नहीं करता था। यहाँ पर एटलीस्ट इतनी खेती तो होती थी कि पहाड़ों को दूर से देखने पर तुम्हें सीढ़ियों का पैटर्न दिख जाता था। और इसी जगह एक लेडी काम करती थी जिनका नाम था लिकाई, वो भी इसी गांव में पली बड़ी हुई थी, इन्हीं खेतों में काम किया करती थी। और बड़े होकर वो यहाँ एक आदमी से मिली, दोनों में बात हुई और फिर उन्होंने शादी कर ली। लिकाई खुश थी, उसका एक पति था, उसकी एक बेटी थी जिसका उन्होंने नाम तो नहीं रखा था, पर वो दोनों ही उससे बहुत प्यार करते थे। पर फिर अचानक लिकाई के हस्बैंड की डेथ हो गई,
और काल लिखाई की पूरी दुनिया ही पलट गई थी। खासी में फीमेल जेंडर के नाम के आगे का लगाते हैं, इसीलिए कुछ लोग लिकाई को का लिकाई के नाम से भी जानते थे। उसके पति के मरने के बाद लिकाई पर अचानक से बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई थी। जब लिकाई की बेटी पैदा हुई थी तो लिकाई के पति काम करते थे और वो घर में रहकर घर का काम और अपनी बेटी की देखभाल करती थी, पर अब उसे काम भी करना पड़ता था और अपनी बच्ची की परवरिश भी। फिर भी लिकाई ने हार नहीं मानी और अपने घर के पास ही एक पॉटरी में काम शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसे अनफॉर्चुनेटली अपनी बेटी को घर में छोड़ना पड़ता था कहीं सारे घंटों तक अकेले। पर वो घड़े और मिट्टी के बर्तन बनाने के सीधा बाद हमेशा घर जल्दी आ जाती थी और अपनी बेटी को घर आकर पूरा लाड और प्यार देती थी। लिकाई की बेटी उसकी जान थी, उसकी वजह से ही लिकाई इतनी स्ट्रांग और डेयरिंग थी। पर अब लिकाई के काम और बेटी की परवरिश के बीच में उसे सोने का समय नहीं मिलता था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत पर काफी असर हुआ था। दिन बीतने के साथ लिकाई कमजोर होती जा रही थी और लिकाई को ये चीज भी समझ आ गई थी कि एक बच्चे को रेज करने के लिए दोनों माँ बाप की जरूरत होती है। इसीलिए लिकाई ने एक और बार अपनी बेटी के लिए शादी करने की सोची। लिकाई की दूसरी शादी इतने धूमधाम से नहीं हुई थी, पर जो आदमी उसने शादी के लिए चुना था वो लिकाई को बहुत पसंद करता था, कुछ ज्यादा ही पसंद। वो लिकाई से बहुत प्रभावित था और हमेशा उसके पास रहना चाहता था, इसीलिए लिकाई ने उसके साथ शादी करी थी, ये सोचकर कि अगर ये मुझसे इतना प्यार करता है तो मेरी बेटी से भी उतना ही प्यार करेगा। ये आदमी कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था या फिर इसके पास बहुत सारा पैसा नहीं था, पर लिकाई को इन चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस ये आदमी अच्छा लगा और उसे ये होप मिली कि उसके पास वापस एक परिवार होगा जिसे वो अपना कह पाएगी। शादी के बाद शुरुआत में लिकाई ने काम पर जाना बंद कर दिया था और अब लिकाई का पति, उसकी बेटी और लिकाई घर पर रहकर उसकी बेटी की देखभाल कर रहे थे। सब ठीक ही था, लिकाई ने सोचा, पर फिर भी उसे अंदर से कुछ कट फीलिंग आती थी, जैसे कि कुछ तो गड़बड़ थी इस घर में। स्टिल नॉट थिंकिंग अबाउट दिस थिंग, कुछ महीने बीत गए और लिकाई ने अब काम ढूंढना शुरू कर दिया था। उसके नए पति ने भी काम पर जाना शुरू कर दिया था क्योंकि खाने और रहने के लिए पैसे तो लगते ही थे। तो उन दोनों ने यह सोचा कि हम बारी बारी करके काम पर जाएंगे और ज्यादातर लिकाई घर में ही रहेगी, क्योंकि उसे अपनी छोटी बेटी को दूध पिलाना होता था, जिसके लिए उसका पति पहले तो मान गया था, पर इस बात को लेकर उनके बीच में छोटी सी लड़ाई हुई थी। इसी बीच लिकाई ने यह नोटिस करा कि जिस इंटेंसिटी से उसका पति पहले उसे प्यार करता था, उसका अटेंशन क्रेव करता था और उसके आगे पीछे घूमता था, वो इंटेंसिटी अचानक से कहीं चले गई थी। जो लिकाई को पहले थोड़ा सा अजीब तो लगा, पर उसने सोचा कि शायद शादी करने के बाद और हमेशा साथ रहने के बाद इसके सर से प्यार का भूत उतर गया है। वो अभी भी लिकाई का उतना ही ध्यान रखता था और उसे हमेशा सेफ फील करवाता था, बस पहले जैसे इंटेंसिटी नहीं थी उसमें। एंड लिकाई वॉज काइंड रिलीव्ड, क्योंकि वो अपने हस्बैंड पर ट्रस्ट कर सकती थी, अपनी बेटी को उसके पास छोड़ सकती थी। और ऐसा करते करते कहीं महीने हो गए थे कि लिकाई काम पर जाती तो उसका हस्बैंड उसकी बेटी का ध्यान रखता था। तो एक दिन हमेशा की तरह अपने हस्बैंड को घर का सारा काम समझाकर लिकाई वापस चली गई अपने काम पर। उसने वो ही अपने पुराने पॉटरी के काम पर जाना सही समझा, क्योंकि वो उसके घर से बहुत पास था और जाने आने में उसे ज्यादा समय नहीं लगता था। लिकाई अपनी जिंदगी और पिछले कुछ सालों के बारे में सोचकर पॉट्स बना रही थी और फिर शाम होने पर वो घर के लिए वापस निकल गई। जब वो घर के दरवाजे पर पहुंची तो उसने नोटिस करा कि उसकी घर में लालटेन नहीं जली है। जिन्हें नहीं पता कि लालटेन क्या होता है, इसमें मिट्टी तेल डालकर एक बत्ती में आग लगाई जाती है, जो कि पहले गांव में यूज करना बहुत ही कॉमन बात थी।
इसीलिए रंग जयरत में सभी घरों में शाम को लालटेन ही जलाई जाती थी। तो ये चीज देखकर लिकाई को अजीब तो लगा, पर वो घर से अंदर गई तो उसने देखा कि घर में कोई भी नहीं था। तो उसने अपने पति को आवाज मारी, फिर उस अपनी बेटी को पुकारा, पर किसी ने भी कुछ जवाब नहीं दिया। लिकाई का घर कच्ची मिट्टी से बना हुआ था। यहां पर चार कमरे थे, जिसमें से आखिरी कमरा पीछे मैदान में लीड करता था, जहां लिकाई का पति अपने औजार और एक बड़ी पानी की टंकी रखता था। लिकाई जैसे ही किचन की तरफ बढ़ी तो उसने ये देखा कि चूल्हे पर कुछ पक रहा था। वो ये चीज देखकर बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी में किसी ने भी उसके लिए खाना नहीं बनाया था, और वो चूल्हे का प्लेट उठाकर ये देखने ही वाली थी कि क्या पक रहा है। तभी अचानक उसका पति किचन में आ गया। तुम घर आ गई, उसने ये कहा, बैठ जाओ, तुम थक गई होंगी, मैं तुम्हें खाना परोसता हूं। लिकाई ये सुनकर शर्माई, और पूरे दिन थकने के बाद वो बहुत भूखी भी थी, तो अपने पति का ये प्यार देखकर वो खुश हो गई थी और घर में बना चिकन खाने लगी। फिर भी लिकाई खाते हुए इधर उधर देख रही थी, तो उसके पति ने पूछा कि क्या हुआ, खाना पसंद नहीं आया तुम्हें? तो लिकाई ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर मेरी बेटी कहाँ है? तो उसके हस्बैंड ने कहा कि मैंने उसे सुलाकर अंदर रख दिया है। ये सुनकर उसे चैन आया, और खाना खाने के बाद वो हाथ धोने घर के पीछे वाली टंकी पर गई। लिकाई हमेशा खाना खाने के बाद नट्स खाती थी, जो वो अपने बिस्तर के पास अंदर वाले कमरे में रखती थी एक कटोरे में, और इन कमरों में काफी अंधेरा रहता था, तो लिकाई अपने हाथ से महसूस करते हुए उस कटोरे को ढूंढ रही थी जिसमें नट्स थे। तभी उसने अपने पैर पर कुछ गीला सा महसूस करा। उसने आंख मीच कर लालटेन को उठाया और फिर अपने पैर के पास देखा, जहां उसे एक छोटी सी उंगली दिखाई दी, और ये उंगली किसी और की नहीं बल्कि लिकाई की बेटी की ही थी। लिकाई का पति उससे ऑब्सेस था, वो उसका पूरा अटेंशन चाहता था, और शादी से पहले उसने ये सोचा था कि लिकाई और वो साथ में रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। पर शादी करने के बाद उसे ये समझ आया कि लिकाई अपनी बेटी से सबसे ज्यादा प्यार करती है, हमेशा उसके साथ रहती है, और वो इस बात को लेकर खुश नहीं था। उसे अब अपनी बीवी के प्यार और इस बच्ची से नफरत होने लगी थी, तो उसने इस बच्ची को मारने का प्लान बनाया, और लिकाई के घर से निकलते ही उसने इस बच्ची को मार दिया। मारने के बाद जल्दी जल्दी उसने लिकाई की बेटी का सर और पैर कहीं फेंक दिया था, पर जल्दीबाजी में उससे एक गलती हो गई, उसने इस बच्ची की कटी हुई उंगली अंदर ही रूम में फेंक दी। फिर उसने लिकाई की बेटी का शरीर काटकर उसे पकाया, ये सोचकर कि अगर लिकाई अपनी बेटी को ही खा जाएगी तो वो मानसिक संतुलन खो देगी, और फिर हमेशा के लिए वो मुझ पर डिपेंड करेगी, वो मेरे पास रहेगी, वो मुझसे प्यार करेगी। पर जैसे ही लिकाई को ये सब कुछ समझ आया, शी वॉज पेट्रीफाइड। उसके दिमाग में 100 सवाल दौड़ रहे थे, आखिर मैंने क्या कर दिया? क्या सच में वो मेरी ही बेटी थी? नहीं, ये मेरी बेटी को नहीं मार सकता, ये तो अब इसका बाप है। आखिर क्यों, क्यों इसने ऐसा क्यों करा? इस नन्ही सी जान ने, मेरी बेटी ने आखिर इसका क्या बिगाड़ा था? वो चिल्लाने लगी, रोने लगी, चीखने लगी, और फिर वो घर से बाहर निकलकर भागती रही, रोती रही, अपनी बेटी का नाम पुकारती रही, अपनी बेटी के शरीर को ढूंढती रही, अपनी बेटी के सर को ढूंढती रही, और भागते भागते वो एक वाटरफॉल के एज पर पहुंची। उसने खड़े होकर पानी की तरफ देखा, फिर एज से नीचे देखा, नीचे उसे बस पत्थर ही दिखाई दे रहे थे।
और पानी की आवाज उसके कानों पर पड़ रही थी। फिर वाटरफॉल के एकदम एज पर खड़े होकर लिकाई ने दोबारा सोचा कि उसने अपनी बेटी को ही खा दिया था, और फिर लिकाई इस लेक से नीचे कूद गई। तब से ये कहा जाता है कि लिकाई का भूत यहां मेघालय में इस ही लेक में रहता है, और लिकाई के नाम पर ही इस वाटरफॉल का नाम रख दिया गया था, नो कालिकाई फॉल्स, जिसका मतलब होता है कूदने वाली लिकाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगेन मेरे पे बस लास्ट वीडियो बची है अर्बन लेजेंड की, तो अगर आपको कोई भी अर्बन लेजेंड मुझे कवर करने के लिए देना है तो आप उस अर्बन लेजेंड का नाम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे ये बहुत ज़्यादा रिकमेंड हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं शायद से मंकी मैन को कवर करूंगा, पर उसके साथ ही साथ मैं एक और करना चाहता हूँ क्योंकि वो लास्ट वीडियो है इस अर्बन लेजेंड सीरीज़ की। सो कमेंट डाउन बिलो जो भी तुम्हारे पास अर्बन लेजेंड्स हैं उनके नाम। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विद मी, एंड या आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। बाय बाय।